निकालते हो तो आपको अपर डायरेक्शन से बहुत ज़्यादा हैवी लुक नहीं रखना है। तो पहले मैं यहाँ से थोड़ा सा पफ बना दे रही हूँ अपना, ताकि जो मेरा लुक है वो और भी ज़्यादा अच्छा लगे। जब भी आप सेंटर पार्टीशन रख रहे हो, बीच की मांग निकाल रहे हो, नई नवेली दुल्हन हो, तो आप ध्यान रखिए कि मांग बहुत ज़्यादा लंबी मत निकालिए। उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा लंबी मांग निकालने से क्या होता है कि आपका जो लुक है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, प्रोफेशनल नहीं लगता है। इसके लिए आपको बीच से बहुत लंबी मांग नहीं निकालनी है, छोटी सी मांग के साथ अपना लुक कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमने इस तरीके से हल्का सा पफ लिया, ज़्यादा पफ नहीं बनाया मैंने यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे हेयर स्टाइल को स्टार्ट करेंगे। कभी भी हम लोग ट्विस्टिंग करते हैं तो इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ, वैसे ही हाथों को ऊपर करके ही करिए, जिससे कि आपकी जो स्कैल्प होती है वो दिखाई नहीं देती है। पतले हल्के बाल हैं तो भी आपका जो हेयर स्टाइल है वो बहुत अच्छा दिखता है। बैक के क्लिप तक लेके जाएंगे एंड इस तरीके से सिक्योर कर देंगे। ओके, सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी करना है। इस तरीके से ऊपर की तरफ से हाथ को ले जाएंगे, टू पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, देन इस तरीके से ट्विस्ट कर लेंगे। सॉरी, ऐसे करना है कि ये वाला पार्ट जो हमारा नीचे की तरफ आए, तभी जो आप सेकंड लेयर लोगे इसके साथ इसको मिक्स कर पाओगे। अब आप चाहो अगर आपके बालों को खुला रखना है तो आप खुला रख दो, अगर आपके बाल शॉर्ट है मेजरर तो आप खुला रख लीजिएगा, एंड अगर लॉन्ग होंगे तो आप जूड़ा बना सकते हो। इसके साथ आप बड़ी बड़ी इयररिंग्स वगैरह ट्राई कीजिएगा, जिससे कि जो आपका हेयर स्टाइल का लुक है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा और आपका जो लुक है वो भी बहुत अच्छा दिखेगा। तो ये हमारा फाइनल लुक है, मैं इसके साथ झुमके कैरी कर रही हूँ। आपको जो भी चाहिए वो आप यूज कर सकते हो। इस टाइप के झुमके मैं पहन रही हूँ यहाँ पे। अगर आपके घर पे पार्टी वार्टी है एनिवर्सरी में या वेडिंग में तो आप मांगती का या फिर ज्वेलरी कर सकते, बट मैंने ऐसे सिंपली आप लोग के साथ शेयर करने के लिए ये लुक बनाया था। तो मैं यहाँ पे मांगती का वगैरह यूज़ नहीं करी। पफ को थोड़ा सा और ऊपर उठाने के लिए आपको इस तरीके से हेयर को बैक साइड से दबाना है एंड टिकटक या फिर बॉबी क्लिप की मदद से उसको सिक्योर कर देना है। जो भी क्लिप है आपके पास आप उसकी मदद से इसको सिक्योर करके अपने पफ को थोड़ा सा और भी बड़ा और खूबसूरत दिखा सकते हो। तो दिस इज़ द फाइनल लुक। और कैमरा का जो फिल्टर है उसको मैंने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, एकदम नेचुरल है। तो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा फाइनल लुक जो है वो भी आपको शेयर कर देती हूँ। मैंने चूड़ियाँ इस तरीके की डाली थी। देखिए देखिए, इधर मेरी तरफ।